सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा सुमन सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनके अलावा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी मीरा अग्रवाल भी। तो इस पूरी जो मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं दो बाइट ऐसी जिसने सबको सकते में डाल दिया है, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे और पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की। इफ माई रिजाइनिंग विल प्रिवेंट सच डिप्रेव्ड एक्शंस ऑफ द सोसाइटी देन आई एम प्रिपेयर टू रिजाइन 1,000 times, बट दैट इज नॉट गोइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज वन ऑफ मेंटल डिप्रेविटी, द प्रॉब्लम इज वन ऑफ साइकोपैथी, द प्रॉब्लम इज वन ऑफ मेंटल सिकनेस, एंड दैट विल नॉट बी सॉर्टेड आउट बाय एनीवन रिजाइनिंग, लीस्ट ऑफ ऑल द लीडर ऑफ अ पुलिस फोर्स। तो इतना बड़ा हंगामा हुआ 5 साल की बच्ची के साथ, इतनी बर्बरता दिखाई गई। अनुजा से सबसे पहले बात करना चाहेंगे। अनुजा, पुलिस कमिश्नर का बयान आपने सुना, गलती मानने की बजाय उल्टा गलती दूसरे के ऊपर डाल दी है, क्या कहेंगे? ये आपको मालूम है, ये भी पॉलिटिक्स है और वो जैसे कि आगे आने वाले वक्तों में रिटायर होने वाले हैं, तो इस तरह से बेइज्जत होकर वो नहीं जाना चाहते। ऑब्वियसली हम उनको धक्का मार रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप निकल जाइए यहां से, तो बेइज्जत होकर इस पोस्ट से निकलना तो कोई भी नहीं चाहेगा, तो वो नहीं चाहते, इसलिए आपके आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, थोड़ा हमें वक्त दे दीजिए। जो एक गलत है, जो बेसिकली जो जिस काम के लिए उनको रखा गया था, जिस काम के उनके पास, मेरे पास तो पावर ही नहीं है इतनी। अगर आज मेरे पास पावर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग जिनके पास जितनी पावर है उस हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी? क्या उनको यह बात का बारे में अंदाजा है या सिर्फ कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं? मुझे अभी नहीं जाना, मुझे बाद में नहीं जाना, बच्चे की तरह हमारी कुर्सी के साथ चिपक गए। उनका काम चाहिए था रिस्पॉन्सिबल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, थप्पड़ मारना, इस तरीके का व्यवहार करना, बच्चों की तरह हरकतें करना, अपना इल्जाम दूसरे पर लगा देना, उसका इल्जाम किसी और पर लगा देना, अपनी जिम्मेवारी ना समझना, और हमें हमारी जिम्मेवारी समझा रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारी ठीक से जानते हैं, बेहतर यही रहेगा कि वो अपने आप को यहां से हटा दें, ताकि क्योंकि जो काम उनके लिए रखा गया था बाय लॉस करने के लिए, उनको कहा गया था, एक सुपुर्द किया गया था कि वो आगे अपनी टीम को गाइडलाइन सही दें, आगे एजुकेट करें, सेंसिटाइज करें। इतना कुछ चल रहा है और शर्म है उनके ऊपर, मैं कहती हूं शर्म है कि जो सिर्फ और सिर्फ आज भी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं। जी चलिए सुमन जी, आपसे यहां पर ही जाना चाहूंगी। संसद सत्र था आज, पहला दिन था, और जिस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं, हंगामा वहां पर हुआ इस पूरे मुद्दे को लेकर, उनको देखकर तो यही लगता है कि संजीदा बिल्कुल नहीं है महिला सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से दिसंबर वाली घटना घटी थी और जिस तरीके से पूरा प्रोटेस्ट हुआ पूरे देश भर में, तो बहुत उम्मीद हम लोगों को जगी थी, क्योंकि बहुत सरकार ने बड़े वायदे किए थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाला, अध्यादेश निकाला, कमेटी बनाई गई, हम सब लोग इन्वॉल्व थे उस कमेटी को रिकमेंडेशन देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी इन्होंने निकाला ऑर्डिनेंस, का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगर आप पिछले उस घटना दिसंबर वाली घटना के बाद से देखें आगे के 3-4 महीने, तो ये जो बलात्कार की घटनाएं हैं ये बड़ी हैं और इस हद तक बढ़ गई हैं कि आज हम एक 5 साल की बच्ची, जो मतलब इन सब चीजों को जानती नहीं है, एक छोटी सी बच्ची है, अभी जिंदगी की उसकी शुरुआत नहीं हुई है, और उस संग इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस देश को शर्म आना चाहिए, सारे पॉलिटिशियंस को शर्म आना चाहिए, सारे राजनीतिक दलों को, मेरे को लगता है एकजुट होकर अपने मतलब अंदर इस चीज को महसूस करना चाहिए कि अगर हम अपने देश के बच्चों को नहीं हम लोग प्रोटेक्ट कर पा रहे, बच्चियों को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे जिनकी जिंदगी की अभी शुरुआत नहीं हो पाई है, तो हमको रहना नहीं चाहिए सरकार के। जी बिल्कुल, मीरा अग्रवाल जी के पास इस वक्त मैं जाना चाहूंगी। मीरा जी, संसद की कार्यवाही आपने देखी होगी, जिस तरीके से हंगामा यहां पर राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ही लग रहा था। नहीं, मुझे जो कहना है वो ये है कि 16 दिसंबर की घटना के बाद इस देश की जनता में एक आक्रोश जो था वो फूट के आया है जी। वहां लगातार चर्चाएं हुई हैं, लगातार लोगों ने अपना विषय रखा है, और बड़े हैरानी की बात है कि आम साधारण महिला से लेकर के जो राज करने वाले ऊंचे से ऊंचे लोग जिनके पास पावर है, वो सब कह रहे हैं कि कार्यवाही होनी चाहिए, ये रुकना चाहिए। लेकिन रोकेगा कौन? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आज आप देखिए सरकार में जो लोग पिछले इतने सालों से बैठे हैं,
वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये बहुत हो गया, ये रुकना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग चुन करके सरकार में हैं, जिनके पास सारी ताकत है, वो क्यों नहीं इस चीज को ऐसे कर रहे, कुछ इस तरह का कोई मैसेज देश को दे रहे जिससे कि उनकी संवेदनशीलता का पता चले। आज जनता का लगातार विश्वास जो है वो सरकारी तंत्र से, पुलिस से, न्यायपालिका से, पूरे के पूरे सिस्टम से हटता जा रहा है। और इस सारे सिस्टम को जो आखिर में कंट्रोल करती है वो सरकार है। सरकार ने आज तक महिलाओं के सम्मान को बनाए रखने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, और अगर उनकी सुरक्षा में कहीं कोई कमी है, उनके साथ कोई अपराध हो रहा है, तो उसको सजा देने के लिए क्या किया है? अगर वो जनता के सामने ये चीजें लाएं और जनता को ये विश्वास हो कि भाई हाँ, ये हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार जी, बिल्कुल। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि नतीजे कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि संसद बार बार स्थगित हो जाती है और हंगामे की वजह से हर रोज हम देख रहे हैं। वैसे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन करती हैं, ऐसा है, चर्चाएं लगातार हुई है। नहीं देखिए, चर्चा लगातार हुई है, अभी इमीडिएटली कोई ना कोई स्टेप ऐसा आना चाहिए, गृह मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए। चलिए चलिए, अनुजा से यहाँ पर जाना चाहेंगे। उन्होंने जब ये कहा जी जी, मीरा जी आपको रोकना चाहूंगी, अनुजा से यहाँ पर जाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अनुजा, संसद की कार्यवाही आपने देखी और जो हंगामा यहाँ पर नेताओं ने किया उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जो हंगामा किया वो साफ तौर पर दिखता है कि कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर पार्टियां हंगामा कर रही हैं और जिस वजह से जो सदन है वो स्थगित हो रहा है, तो आगे का हल कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी सामने आप चुनौती देख रहे हैं कि ऑलरेडी बस अगले साल यहाँ पर चुनाव और हो सकता जल्दी भी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि ये सब और सब अपनी कुर्सियां बचाने पे लगे हुए हैं। एक दूसरे पे बात कर देंगे, जैसे हम कमीशन का बिठाते हैं, एक तरीके का टाइम गेन करते हैं, तो इसी तरीके से ये लोग इस तरह की सेशन बिठा कर एक टाइम गेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आता किसको कितना है ये हम लोग नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि इनके दायरे कितने हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बात आप बिल का ड्राफ्टिंग दे सकते हैं, पर उस बिल को चलाना किसका काम है? वो बिल का आगे चलाना भी तो चाहिए ना। आप ये जो खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये बात करते हैं अपने हमारे स्टेट में ये हो रहा है, तो पीछे से बात आती है आप हमारे स्टेट के बारे में क्यों बोल रहे हैं, अपने स्टेट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? बात मेरे या आपके स्टेट की या किसकी स्टेट की नहीं है, बात किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक उस आदमी की, एक उस औरत की, एक उस इंसान की जो जिंदा है। स्टेट के अंदर आप उसको मत घुमाइए, इसके अंदर घुमा रहे हैं, उसके अंदर घुमा रहे हैं, और क्या हुआ नतीजा? क्या होता है? वो तो ऐसे ही आते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, और उसके बाद चलते बनते हैं। और एक उसके ऊपर उंगली उठा दो, एक उसके अंदर उंगली उठा दो, ये तो वही हो गया जैसे किटियों के अंदर जो नहीं प्रेजेंट है उसके बारे में बात कर दो। तो ये चीज क्या है यहाँ पर? यही सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी सत्ता की जरूरत है, सबको अपनी अपनी चीज की जरूरत है, अपने आप को डिफेंड कर लें, क्योंकि अगले साल वो तो अब आएंगे नहीं, दूसरी बीजेपी पार्टी आएगी तो वो अपने आप को दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रही है। चलिए चलिए, इससे तो एक चीज साफ होती है कि 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी उससे यहाँ पर कोई सबक नहीं लिया है किसी ने। हमारे सारे गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी हंगामे से मिलेगा इंसाफ पर चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हमारे साथ चर्चा में हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से मधु गर्ग भी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे क्या जो हंगामा है उससे इंसाफ मिलेगा, क्योंकि साइना नेहवाल ने भी कहा है कि वो अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ऐसे बयान आपको सुनाते हैं इसी मुद्दे को लेकर। बहुत ही गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी की पुलिस कमिश्नर इस प्रकार की हल्के बयान देते हैं जब इतना घनौना कान पूरे देश को जकोड़ दिया है। पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस कमिश्नर को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस उनकी कमांड के अंदर है
और जब कमांड दायित्व बनेगा तभी दिल्ली पुलिस सुधरेगी। आम दुनिया जब सीधी SHO के पास पहुंचती है, पहले द्वार जो खटखटाती है, वहां पर जवाब होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। संस्थात्मक रूप से जवाबदेही नहीं स्थापित हो रही है और उसके लिए अंतिम स्तर पर जो कमिश्नर है उधर तक मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभा रहे हैं। अब समय आ गया, उनको स्थान छोड़ देना चाहिए। इस तरह से अगर वो पैसे लेकर दबाएंगे या पैसे लेकर रजिस्टर करेंगे केस और इसी तरह से सोचेंगे कि कानून और व्यवस्था लानी है, तो सबको पता है कि पैसों से खरीद दिया जा सकता है। तो कानून को लागू करना, उस समय उस शिकायत को दूर करना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसमें कूद जाना, वो काम है पुलिस का। और नहीं करेगी तो खौफ तो नहीं है। हमने ये तय किया कि एक महिला सुरक्षा दल दिल्ली में बनाया जाए। ये महिला सुरक्षा दल बेसिकली लोगों का दल होगा, लोकल स्थानीय लोगों का दल होगा। इसे हर विधानसभा के लेवल पे एक दल होगा और हर कॉलेज के लेवल पे एक दल होगा। इस दल के दो काम होंगे महिला सुरक्षा दल के। पहला काम होगा कि अगर उस विधानसभा में या उस कॉलेज में किसी लड़की के साथ कोई भी गड़बड़ होती है और उसको पुलिस मदद नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है, उसकी ठीक से जांच नहीं करती है, तो महिला सुरक्षा दल पुलिस वालों के ऊपर दबाव डाल के पुलिस से उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। अगर उसे अस्पताल की जरूरत है तो उसे ठीक अस्पताल में एडमिट कराना, यह महिला सुरक्षा दल का काम होगा। जो दिल्ली में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, इतना सुनने में आ रहा है, आई थिंक और बढ़ता ही जा रहा है। इट्स तो यू नो द रीसेंट वन वाज इवन मोर बैड बिकॉज शी वाज ओनली 5 years old एंड उसके साथ इतना बुरा हुआ है, तो बहुत दुख होता है कि जो लड़की अभी उसने उसको मालूम भी नहीं है उसका करियर क्या है, वो क्या करना चाहती है, उसके साथ इतना बुरा हुआ है। एंड उसको रोकने के लिए आई थिंक सबको बहुत ही बड़ा स्टेप होना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा स्टेप होना चाहिए, क्योंकि आगे भी ऐसा हो सकता है। और उसके बाद भी मैंने सुना है काफी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इट्स नॉट रियली गुड बीइंग अ गर्ल। आई एम आल्सो रियली स्केयर्ड कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी ऐसा हो सकता है, और यू नो इट्स नॉट रियली गुड। तो मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार जिम्मेदार है जी, सरकार चाहे किसी भी दल की है, लेकिन अगर सरकार के होते हुए और महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है, लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और सजा जो है वो दी नहीं जा रही है, तो ऐसे में किसी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये एक प्रांत या दो प्रांत की बात नहीं है जी, पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं पर भी महिलाओं के लिए जो एक महिला सुरक्षा विषय होना चाहिए उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, आखिर तो संसार की आधी आबादी महिला है, वो उनके उसमें नहीं है। और इसीलिए ये हल्के बयान आते हैं। जब हम गृह मंत्री शिंदे जी की बात करते हैं, उनका जो बयान आया है वो इसीलिए आता है कि कहीं पर भी महिलाओं के लिए सम्मान वाली बात नहीं है, कहीं पर भी ये नहीं उनके मनों में, राजनीतिक पार्टियों के मन में ये बात है कि महिलाओं की अस्मिता से अगर खिलवाड़ होगा तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है जी, बिल्कुल पिता जो है वो चिंतित है, हर पिता चिंतित है कि उसकी बेटी सुरक्षित है कि नहीं, हर भाई चिंतित है, हर पति चिंतित है। तो जब समाज का एक बड़ा वर्ग महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, तो क्यों नहीं राजनीतिक दलों के प्रायोरिटी लिस्ट में, क्यों नहीं सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर लिया जाता है। और मेरा तो दूसरा कहना है कि लगातार इस देश में आपको आजाद हुए आज इतने वर्ष हो गए हैं और सरकार ने ये विषय कभी अपने अपने उसमें रखा ही नहीं। और ये आज जब जनता का आक्रोश फूटा है, जब देश की जनता सड़कों पर आई है, तब सिर्फ लीपापोती करने में हम लोग लगे हुए हैं, ये कहने में कि कमिश्नर को हटा दो या इसको सस्पेंड कर दो या उसको सस्पेंड कर दो। क्यों नहीं संवेदनशीलता के साथ इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई ये जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है, ये करके इस्तीफा दिया जाए। सरकार यहाँ पर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नजर नहीं आती, सरकार की नीयत समझ में आए जी। बिल्कुल। तो मीरा जी, आप हमारे पास हमारे साथ बने रहिए। अनुजा जी, जिस तरीके से सरकार की बात यहाँ पर चल रही है, जिम्मेदारी उठाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 16 दिसंबर की वारदात हुई, 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक अगर उस केस की बात की जाए तो क्या हुआ है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के भी कोई फायदा नहीं है, सियासत यहाँ पर चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने कह तो रही हूँ कि सिर्फ एक ढकोसला है,
ये सिर्फ उसके साथ चलता चला जा रहा है। अगर वो चाहे तो हमारा जुडिशरी भी, जिसने काफी सीओ मोटो लिए हैं और प्रेमा फिक्किया पे ऊपर उन्होंने काफी लेते हुए केसेस को हैंडल कर रहे हैं, बट क्या सिर्फ इतना बहुत है? जो एक लीडिंग केस था इस वक्त का एक्नॉलेज्ड केस था, इसको कम से कम टाइम पर एक डिटेरेंट की तरह यूज करना चाहिए था और इसका जितना जल्द हो सके, क्योंकि इसके ऊपर ही बाकी सब केस निर्भित है। अब वही चीज सामने नजर नहीं आ रही है और इसको आज 4 महीने हो गए, कल 6 महीने और शायद 1 साल। क्या ये हम इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहेंगे? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, ये तो वही अपना टाइम ले रही है अपने टाइम के साथ। आज आप देखेंगे, हम अखबार सुबह खोल के देखते तो वो कहते हैं हमें पढ़ना है, कभी वो कहते हैं कि हम लोग उसमें थे ही नहीं, अब तो वो बस ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आप देखें कि ये सिचुएशन कहां जा रही है। उम्मीद यहीं पर नजर आ रही थी, आज संसद का पहला दिन था, लेकिन वहां पर उम्मीद की बजाय मायूसी हाथ लगी है, हंगामा हो गया। अब आप देखिए ना, आप जहां पर जिन लोगों के साथ, मैं वही तो बता रही हूं, जिनके पास पावर है वो ये काम नहीं कर सकते, तो क्या आम आदमी को कह रहे कि कानून अपने हाथ में ले लो? क्या आप लोग सिर्फ यही चाहते हैं? अगर हम लोग, जो लोग शरीफ हैं, जो लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, जिनकी कोई गलती नहीं है, तो क्या एक आम आदमी क्रिमिनल बन जाए? क्या आप इस दिन की वेट कर रहे हैं? क्यों नहीं आप लोगों के हाथ में, जब पावर हम लोगों ने दी है, जब आप लोगों से हमसे सब कुछ, हमारे हमारे टैक्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को पे करते हैं, आपको उस औकात पे लाकर खड़ा किया है, तो आप लोग अपना काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे? ये सब करने के बजाय ये तो वही बात है, घर घर खेल रहे, घर में बैठे ऐसा नहीं ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ाई कर रहे हो, ये तो साफ होकर सीरियल चल रहा है, मुझे तो ऐसे लगने लग जाता थोड़ी देर में। अरे कहां है क्रेडिबिलिटी, कहां है आप लोगों के बीच में? इतने समझदार लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये हाल है, तो हम लोग कहां जाए सारे? किसके पास जाके हाहाकार मचाए? भगवान को बुला ले नीचे, आप आ जाइए नीचे, इनका काम कर लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता कि हम किसके पास जाए, हम सारे समाजकर्ता या साइकोलॉजिस्ट या बाकी लोग क्या कर ले इसके अंदर, या एंकर क्या कर ले? ये हम लोगों ने साथ में, इट इज एवरीथिंग, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है। और जो इस वक्त यहाँ पे संस्था में बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे हैं, कैबिनेट्स में बैठे हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि सिर्फ एक लॉ को जारी कर देना ही नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या एनफोर्समेंट हो रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है तो फौरन उस बंदे को वहां से कहा जाए कि वो खाली कर दे कुर्सी और आगे की तरफ दूसरे एक लायक आदमी को लेकर आए, जिसके अंदर जज्बा हो और जो इसके लिए आगे गाइडलाइन दे सके। मुझे जो लगता है कि सिर्फ यहां पर जो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, एक गाइडलाइन की कमी है, वो गाइडलाइन नहीं दे पा रहे हैं कोई भी। यहां पे बॉस बहुत है, एक लीडर कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है हर पार्टी की तरफ से। आखिर फायदा किसको मिल रहा है, यूपीए को या फिर बीजेपी को? सुमन जी, मुझे लगता नहीं इसमें किसी को कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता का आक्रोश है इस पूरे इस पूरी घटना को लेकर, एक बार दिसंबर में हुआ, फिर अभी दोबारा हो गया, किसी को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि शायद आम जनता कहीं ना कहीं इस बात को देख रही है कि अगर राजनीतिक दल अपनी एक जिम्मेदारी के तहत, मुझे लगता है ये प्रश्न ही गलत है जी, इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर और इस तरह के प्रश्न, ये मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। मीरा जी जिस तरह हल निकलना चाहिए कहीं ना कहीं। मीरा जी, जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर वार कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पर वार कर रही है, दोनों ही दिल्ली की अगर बात कर ले या फिर एमपी की बात कर ले, चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी भी चाह रही है कि इस तरीके का नहीं, ये मुझे लगता है नहीं, ये मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है, इसमें राजनीति बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। और इसमें गंभीरता से अगर कोई जना अपना आवाज उठा करके ये कह रहा है कि भाई ये बंद होना चाहिए, तो इसमें राजनीति नहीं है जी। अगर बिल्कुल चुप रह जाए तो ये होगा कि भाई चुप कैसे रह गए। ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पे सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए, जहां पर भी जो भी सरकार है उसे अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए और इस चीजों को की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मीरा जी आप जो कह रही उससे हम सहमत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर संसद स्थगित हो जाती है तो फिर चर्चा कैसे होगी, तो फिर बहस कैसे होगी? देखिए, संसद लगातार चली भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब अति हो जाती है, जब बहुत ज्यादा ये हो जाता है, चर्चाएं हुई लोकपाल बिल पर, चर्चाएं हुई, उसके बाद क्या हुआ? चर्चा होने के बाद कुछ नतीजा जब निकलता नहीं दिख रहा लोगों को, लगातार इस देश में 60-65 साल से चर्चाएं हो रही है,
संसद तो लगातार चल रही है 60-65 साल में, लेकिन आज तक कोई कानून आया नहीं इस तरह का, लेकिन इस तरह की चीजों पर रोक लगी नहीं, लेकिन आज तक किसी ने इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ली। 15-15 साल से जो लोग सरकार में बैठे हैं, 50-50 साल से जो पार्टियां सरकार में बैठी हैं, उनके रहते किस तरह कैसे ये समाज की हालत हो गई। ये मैंने एक कवि की लाइनें सुनी थी कि उस मालिक को कभी माफ ना करो जिसके रहते हर क्यारी में नाग फणी उगाई है। अगर हर क्यारी में जहरीले पौधे उग गए हैं तो माली क्या कर रहा था पिछले 60 साल से, पिछले 65 साल से सरकारें कर क्या रही थी। आज समाज में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है, आज महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, और आज महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति को अनुजा जिस तरीके से मीरा जी कह रही है नतीजा जिसे निकालना है वो तो सरकार की बनती है, वो तो चुपचाप बैठे हैं, तो आखिर जो सोल्यूशन है वो निकालेगा कौन। मैं तो कह रही हूँ कि अगर इनका बस चले तो ये औरतों को भी पार्लियामेंट से बाहर निकाल दे। इनका बस नहीं चल रहा क्योंकि हम लोग जरा थोड़े अब बहुत ज्यादा अवेयर्ड हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं। इनका बस चले तो एक भी औरत इस जगह पे नजर ना आए, ये तो ये लोग चाहते हैं। एक तो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक औरतों के बिना का देश हो जाए, बस यही राज करें, तो वही वो चाह रहे हैं। यही काम एक एक आदमी यही करने की कोशिश पर है, एक्सटेंड कर देगा वुमन को। औरत देखने वाली चीज सिर्फ किताबों में और उसी में नजर आएगी आने वाले वक्त में, और ये खुद ही घूम लेंगे फिर ये आसपास। अब कहां पर, और पार्लियामेंट में जहां पर जो मैम कह रही है वो ऑलरेडी सही है कि इसको मुद्दा ना बनाते हुए, इनको आपस में लड़ाइयां ना करते हुए, इनको एक 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 इंटेलिजेंट ग्रुप की तरह बैठकर इनको समझना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। बेसिकली आपको बिठाया क्यों जा रहा है, आपको इस, आप समझिए ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्यों है, सेशन क्यों बिठाई जा रही है। या तो ये लोग समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है कि इनको समझ में नहीं आती, मुझे मालूम है कहीं इनमें से पढ़े लिखे नहीं है, बट उसको इनको इतना तो पता है कि क्यों बिठाई जा रही है सर चीज को। तो आप आगे आप पूरा देश चला रहे हैं, घर नहीं चला रहे हैं, पूरा देश चल रहा है, क्यों नहीं समझते इस बात को, क्यों नहीं लेकर आते एक आम मुद्दे को, क्यों नहीं लेकर आते प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको आगे डिप्यूट क्यों नहीं करी जा रही। एक लॉ बना रहे हैं, लॉ बनाते जा रहे हैं, लॉ बनाते जा रहे हैं, लॉ का आगे कुछ फर्क भी तो आए ना। एंटी रेप लॉ आने के बाद क्या हो रहा है, उसको कोई करने वाला, एनफोर्स करने वाला कोई नहीं है। हमारे और विक्टिम और उस लॉ के बीच में जो खड़े हैं देखने वाले, जो एनफोर्स करने वाले, वो तो थप्पड़ मार रहे हैं, तो एक औरत कहां जाएगी थप्पड़ खाने के लिए, थोड़ी ना ही हम लोग खड़े हैं यहां पर। कहीं तो हमारे लिए भी सहनशीलता होनी चाहिए, कहीं पर तो हमारे लिए भी समझने के लिए लोग होने चाहिए ना कि हम कहां जाएं, हम औरतें कहां जाएं, किसके पास जाएं। घर पर जाए तो वहां सुने, बाहर निकले तो वहां सुने। तो कह सकते हैं कि जो नेता है उनकी सोच जो है वो महिला विरोधी हो गई है। मधु जी आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? देखिए मुझे ये लगता है कि ये कोई महिला और पुरुष के बीच की लड़ाई नहीं है, ये पूरी एक व्यवस्था है जिसकी लड़ाई है। ये जो हमारी पितृ सत्तात्मक सोच है जिसमें ये व्यवस्था फल फूल रही है, और दूसरा जो बाजार की ताकतें जिस तरह आई हैं, जिन्होंने की औरत को एक प्रोडक्ट बना दिया, एक मतलब वो उपभोग की वस्तु बन गई है, यूज एंड थ्रो, जो एक सोच आ गई है, जो एक व्यवस्था थी पितृ सत्तात्मक सोच, और प्लस ये जो बाजार की ताकतों ने औरत को एक सेक्स प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल किया है, इसने इन घटनाओं को बहुत बढ़ाया है। ये औरत और पुरुष की बात नहीं है, पुरुष भी आज सड़क पर उतर रहे हैं, पूरी संवेदनशीलता के साथ उतर रहे हैं और महिला हिंसा का सवाल उठा रहे हैं। इसलिए हम इसको औरत और मर्द की लड़ाई बना के इस लड़ाई को बहुत संकुचित कर देंगे। ये पूरे समाज की लड़ाई है और इसे समाज के तरीके से लड़ना पड़ेगा, ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई नहीं है। तो चलिए एक बयान यहाँ पर सुनाना चाहूंगी सभी जो हमारे गेस्ट हैं उनको। शिवपाल सिंह यादव का ये बयान था कि ज्यादा आबादी की वजह से जो है रेप की घटनाएं होती है, मीडिया को ऐसी घटनाएं बार बार नहीं दिखानी चाहिए, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या वाकई ट्रेनिंग की जरूरत है रमजा? आज हम लोग जहां पर इस वजह से बैठे हैं तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ मीडिया। मीडिया ने ही इन सब चीजों को उठाया है, जागृत किया है, तो आज आप देख रहे हैं दिसंबर के बाद से कितने रेप के केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। ये नहीं था कि पहले रेप नहीं होते थे, रेप पहले भी होते थे पर रजिस्टर नहीं होते थे।
अब लड़कियां जो है वो आगे आकर रजिस्टर कर रही हैं, कम से कम उनको ये पता है कि हमारा कहीं ना कहीं शायद कोई जस्टिस निकल कर आएगा। तो ये थैंक्स टू मीडिया है कि जो मीडिया इस चीज को उठा रही है। आज जस्सिका लाल का भी केस उन्होंने ही सॉल्व किया है। अगर आज मीडिया हार के बैठ जाएगी तो ये जो आज जो छोटी जगहों पर सब कुछ हो रहा है या सब कुछ जो एक जगह कोने पर है वो तो वही दीवार में छुप जाएगा, हमें तो पता नहीं चलेगा। और अगर हमें नहीं पता चलेगा तो हमें कौन सुनेगा। तो कहीं पर भी जो ये लड़ाई जो आज आप देख रहे हैं वो इट्स थैंक्स टू मीडिया। मुझे जहां लगता है कि मीडिया अपना काम बहुत बरकरार कर रही है और मीडिया को जो करना है वो करना चाहिए। सुमन जी आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और ये जितने एक्शन हो रहे हैं ये एक्शन के पीछे कारण ही मीडिया है। अगर ये सब चीजें हाईलाइट नहीं होती मीडिया के माध्यम से तो एक्शन भी नहीं होते। ये जितना जल्दी सरकारें जो एक्शन ले रही हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडिया। और मुझे लगता है कि मीडिया को और थोड़ा एक्टिवली होकर और छोटी छोटी जगहों पर जाना चाहिए। तो दिल्ली की केसेस है बट और रूरल एरियाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उनको भी बहुत उसी तरीके से उसी तेजी के साथ जो है हाईलाइट करना चाहिए ताकि उन छोटी जगहों पर भी जो है ये केसेस एक्शन हो, केसेस फाइल हो और अकाउंटेबिलिटी हम लोग अधिकारियों की मांग कर सके कि उनकी अकाउंटेबिलिटी हो ताकि वो चीजों को इम्प्लीमेंट करें। चलिए मीरा जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मीरा जी। नहीं, मुझे भी लगता है कि डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत अहम रोल है और मीडिया अपने उस रोल को निभा रहा है। और ये कहना कि उसे इस तरह की घटनाएं नहीं हाईलाइट करनी चाहिए, तो अपराध महिलाओं के ऊपर सदियों से होता आ रहा है, होता रहेगा। ये आज उसके मीडिया के कारण से एक लोगों में अवेयरनेस आई है और पूरे हिंदुस्तान के लोग महिलाओं के अगेंस्ट अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए, इसके लिए एकजुट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा। देश की जनता अब जागरूक हो गई है, लोगों की जो राजनीतिक दलों की ओछी राजनीति नहीं चलेगी। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो सरकार जो इस देश की महिला को सुरक्षा नहीं दे पाएगी उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बात लोगों के मुंह से निकली जी, बदलाव जरूर आएगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव जल्द से जल्द आए। फिलहाल यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे सारे मेहमान इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बयान देखते हैं उन राजनेताओं का जो चिंता तो जाहिर कर रहे हैं गुड़िया के साथ दरिंदगी की। क्या वाकई में ये चिंता है? दो पार्लियामेंट हैज रिसेंटली पास्ड अ टफर लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट रेप्स, द ईविल हैज नॉट अबेटेड एंड सच इंसिडेंट्स आर स्टिल ऑन द राइज थ्रू आउट द कंट्री। लॉ अलोन कैन नॉट हाउएवर प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स। अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ पीपल एंड सोसाइटी ओनली विल चेक सच इनह्यूमन क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन। जिस कानून पर इतनी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद जो कानून पास किया गया उसकी नीचे तक न कोई जानकारी है, और जानकारी है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कहीं कहीं ये बात है कि हम लोग बच जाएंगे। ये इसका बात का प्रतीक है कि न सरकारें जागी है, न प्रशासन जागा है, न आम आदमी जागा है और पुलिस पर तो जू तक नहीं रहेंगी है। जहाँ तक जो 5 साल की बच्ची के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, तो जो नया कानून बना है जो महिला सुरक्षा को लेकर, तो ये अब हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कहीं ना कहीं कुछ हमारे सिस्टम में कमी है। ये जो पश्चिमी संस्कृति हावी हो गई है हमारे यहाँ आधुनिकता के नाम पर, इससे जो लोगों के मन में हया और शर्म हुआ करती थी, लज्जा होती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही और उसी का परिणाम है कि इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। पहले तो हमें इंतहाई से कानून बनाने होंगे पुलिस के लिए कि जो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखता, ये सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, ये बहाना है। कुछ दिनों बाद इसे आप वापस ले आएंगे, उसको नौकरी से निकाला जाए, उसको जेल भेजा जाए। इतना सख्त कानून बनाने के बाद 16 दिसंबर के, अगर इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों में बलात्कार की घटनाएं हो रही, तो कहीं ना कहीं वो कानून हो, चाहे विधायिका के लोग हों या चाहे पुलिस के लोग हों और सिविल सोसाइटी के लोग हों, इनको मिल करके कहीं ना कहीं एजुकेट करने की जरूरत। दिल्ली की घटना जो दामिनी के बारे में हुई, उसके बाद दिल्ली शहर में लगभग 50 से ज्यादा बलात्कार की घटना हुई है दिल्ली आसपास। हर 2 घंटे बाद इस राजधानी में महिला को पीड़ित किया जाता है, उसका मतलब क्या है? जरूर ये सामाजिक समस्या है। But I would only urge this august house and the government to consider that while
द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एंड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज वास्टली इंप्रूव्ड। तो अनुजा, बयान आपने सुने हैं, नेताओं के, सांसदों के अलग अलग बयान दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके बयानों पर? क्या वाकई में चिंता है ये या फिर सिर्फ दिखावा? वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी चिंता है, वो तो आने वाला वक्त दिखाई देगा आपको। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो बिल हम लोग चाहे पास करते हैं और ये जो टीवी मीडिया जो कुछ भी हम लोग इस वक्त हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, क्या ये इतनी ग्राउंड लेवल पर बात हो पा रही है? जो लोग इस वक्त कल क्रिमिनल्स और जो कन्विक्ट्स हैं वो लोग तो शायद भी टीवी देखते भी नहीं है, ना उनको इस बिल के बारे में इतने की जानकारी है। तो जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए जो लोग वहां पर प्रेजेंट हैं, जो वहां के लोगों को देखने वाले हैं, जो हमारे बीच के लोग हैं, जो एनफोर्समेंट वाले, उनका ये काम बनता है कि उस ग्राउंड लेवल तक जाकर और जो एनजीओस है वो उस लेवल तक जाकर इन सबको एजुकेट करें कि ये बिल है। जब तक वो कान तो उतर रहे हैं, वो जब तक सामने आएंगे उनको एक्चुअली पता नहीं। ये तो आप और हम लोग बैठ के देख रहे हैं, क्या सच में एक गांव के अंदर जहां से ये चीजें हो रही, क्या वहां पर वो लोग बैठकर उनको ये मालूम भी है कि ये बिल पास हुआ है या उसके अंदर इस तरीके के पनिशमेंट्स हैं? और यह हमारा कानून इस तरीके की चीजों को मना करता है या इस तरह का सख्त कानून आया है? मुझे लगता है कि इस वक्त एजुकेशन की प्रॉब्लम भी बहुत है। जो हम लोग एजुकेटेड है, क्या वो एरिया है, जो वो ग्राउंड लेवल है, क्या वो भी एजुकेटेड है? तो वहां तक जाकर, उन निजी रास्ते तक जाकर हमें उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, उनको ये पता लगना बहुत जरूरी है कि ये कानून है जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ये जानती हूं मैं, एज ए सोसाइटी दे शुड नो कि जो ये करने जा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो करते चले जा रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये बिल पास है, किस तरीके की हम लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है। मुझे मालूम है वो बच्चे नहीं है, उनको दिखता है, पर वो इतने ग्राउंड लेवल पर इतनी ये संगीन है ये बात उन्हें नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है। वो बचपन से ऐसे ही घूम रहे हैं और ऐसे ही घूम घूम के वो बड़े हो चुके हैं। उनको सही और गलत कहां तक है ये उनको इस बात का आइडिया नहीं है। शायद मीरा जी यहां पर कुछ कहना चाहेंगी। मुझे लगता है कि ये जितने भी बयान आए सबने ये कहा कि भाई लॉ की जानकारी नीचे तक नहीं पहुंची या केवल कानून रोक नहीं सकता। मेरा कहना यह है कि इस देश में सरकार है, उसके पास एक बड़ा बजट है, जनता के टैक्स के पैसे से एक बजट है जो महिला सुरक्षा पर अगर लगाया जाए, ये अवेयरनेस को जागृति लाने का काम कौन करेगा जी? ठीक है, समाज के लोगों की कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा महकमा जो तनख्वाहें पाता है इस काम की, सोशल वेलफेयर बोर्ड है, महिला कल्याण विभाग है, सरकारें हैं पूरी की पूरी, तो वो क्यों नहीं ये चीज को प्रचारित करती है कि महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा? क्यों नहीं इस तरह की चीजें, एडवर्टाइजमेंट, इस तरह की बात नीचे तक पहुंचाई जाती? मेरा फिर ये मानना है कि जो जना जितनी ऊंचे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जिसकी होती है, जो जितने ऊंचे पद पर है, जिसको जितना ज्यादा अधिकार दिए हुए हैं, उतनी ही ज्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है। करोड़ों रुपए का बजट ये सरकार इस देश में लगाती है, उसे महिला सुरक्षा के नाम पर कितना बजट लग रहा है, महिलाओं के लिए ये कानून बना उसकी जानकारी देने के लिए कितना पैसा ये लोग लगा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ सम्मान की भावना हो, इस तरह के कुछ स्लोगन्स ऑफिस में हो, इस तरह के कोई टेलीविजन वगैरह पर नाटक वगैरह बनाए जाएं। सेंसर, ये इन्होंने कहा कि समाज में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तो सेंसर बोर्ड तो आपके पास है, सरकार के पास है, तो सेंसर बोर्ड क्यों नहीं अपना काम करता है एडवर्टाइजमेंट में? जी चलिए, मीरा जी, मधु जी की राय भी यहाँ पर जानना चाहेंगे। मधु जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो बयान यहाँ पर सांसदों ने दिए उस पर? देखिए, मैं एक बयान पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है, मुझे नाम नहीं पता, वो कोई हमारे नेता बोल रहे थे कि कोई शर्म हया नहीं रह गई है और आधुनिकता का, ये मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ या दलित महिलाओं के साथ रेप होता है या और भी तमाम बच्चियों के साथ रेप होता है, उन्होंने वो क्या शर्म हया, उनकी क्या परिभाषा है शर्म हया की, वो क्या कपड़े पहनती है जो शर्म हया वाली बात है? और दूसरी बात, जो तमाम बयान आए हैं, मैं ये समझती हूँ कि ये जो अपराध हो रहे हैं या महिला हिंसा का जो सवाल है, ये केवल एक कुछ करने से नहीं होगा कि केवल कानून के स्तर पर हम कुछ कर लें,
ये हम केवल मानसिकता के स्तर पर कर लें, हमें कई लेवल पर इस पर काम करना होगा, कानून के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की कितनी अकाउंटेबल है, ये कानून बना कि पुलिस इसमें अकाउंटेबल होगी अगर FIR ना लिखे। 3 अप्रैल को हमारे राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं जी, बिल्कुल, और उसके बाद ये 10 दिन बाद ये घटना हो जाती है और पुलिस 2000 रुपए लेकर मुंह बंद करने की बात करती है। सामाजिक स्तर पर हमारी क्या सोच है, ये जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं जिसमें कि औरत को उपभोग की तरह से दिखाया जा रहा है, उस पर हमारी क्या सोच है, ये एजुकेशन के लेवल पर, या घरों में जो परंपराएं हैं, जो घरों में हम जिस तरह लड़कियों को बड़ा करते हैं कि तुम्हारा दर्जा नीचे है, हम उनके कॉन्फिडेंस को मारते हैं, ये तमाम स्तरों पर जब तक बात नहीं होगी, और सबसे बड़ी कि सरकारें जो बैठी हैं उनकी पॉलिटिकल विल, वो कितना चाहती हैं कि महिला सुरक्षा का सवाल कितना गंभीर है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है। सभी मेहमानों से एक छोटा छोटा जवाब मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी। सबसे पहले सुमन जी, हाँ, मेरा मानना यह है कि हमको एक बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक पूरे पॉलिटिकल विल के साथ एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाना चाहिए, ताकि हम लोग एक तो कानून को बहुत सख्ती से लागू करें और जो कल्प्रिट्स हैं दे शुड बी पनिश सीवियरली। इसके अलावा हमको अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, और जो कानून है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उनको तुरंत हम लोगों को लागू करना चाहिए, और लोगों के अंदर अवेयरनेस का हम लोगों को करना चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी हमको जरूर फिक्स करनी चाहिए, जो भी अधिकारीगण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दे हैव टू बी अकाउंटेबल। जी बिल्कुल सुमन जी, मीरा जी आपसे भी छोटा सा जवाब चाहूंगी। मुझे लगता है कि एक तो सार्वजनिक रूप से ऐसे अपराधी को सार्वजनिक रूप से तुरंत जो है वो सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि लोगों में दहशत का वातावरण वो हो, अपराधी सार्वजनिक सजा मिलनी चाहिए। मधु जी आपकी क्या राय है? मैं वैसे को मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरी क्या राय है, लेकिन फिर भी मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि कानून बन जाए लेकिन समयबद्ध सीमा में न्याय मिले। सबसे जब तक इस समयबद्ध सीमा में न्याय नहीं मिलेगा तब तक कानूनों का खौफ किसी को नहीं रहेगा। तो समय पर जल्द से जल्द समाधान हो, फैसले आए। अनुजा आपको क्या लगता है? तमाम स्तरों पर जरूरत है। एक संस्था का काम नहीं है, हम सबको साथ में मिलकर इसका अंजाम देना होगा, चाहे वो सोसाइटी है और सोसाइटी से निकली हुई पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पार्लियामेंट और हमारे एक एक इवन क्रिमिनल्स, ये सब हमारे में से ही निकले हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने का टाइम आ चुका है। अपने आप में पहले अपने आप में झांकें, अपने आप को चेंज करें, और साथ में जो कानून लेकर आ रहे हैं कानून के साथ उनका एनफोर्समेंट सही तरीके से हो, और एजुकेशन लेवल जो है स्कूलों में, घर घर में, जो एक पढ़ाई घर से चालू होती है और उसके बाद इस सेक्टर की जो मैं बात कर रही हूं जहां पे बहुत ज्यादा इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पर एजुकेशन लेवल दी जाए, मेरे ख्याल से आने वाला वक्त हमारे लिए सुखद होगा। चलिए अनुजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, साथ ही शुक्रिया सुमन सिंह का। इसके अलावा शुक्रिया कहना चाहूंगी मीरा अग्रवाल जी का और लखनऊ से मधु गर्ग जी का। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ श्री न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।